जनरेटर चलाने का पाकिस्तानी तरीका, थोड़ा सा पेट्रोल डालो इतना सा बिल्कुल बारीक सा, उसके बाद पता क्या करो, दो तीन किके मारो जैसे स्टार्ट हो जाए गैस पे कन्वर्ट, क्या तरीका पाकिस्तानी। और भाई मैं पहुंच गया अपनी बहन के घर पर और हमारी अम्मा को दिखाते जाए, आज अम्मा ने मेहंदी लगाई है माशाल्लाह से, दिखाओ अम्मा। ओए अम्मा इतनी प्यारी मेहंदी भाई, जबरदस्त, मेरी अम्मा तो बड़ी प्यारी लग रही है इसमें। बेगम आज खाने में क्या होगा, कुछ आइडिया है? चीनी भी खत्म हो गई और वाइफ ने कहा आज नाश्ता नहीं मिलेगा आपको क्योंकि आप चीनी और ऑयल लेके नहीं आए, तो चीनी और ऑयल भी लेनी है। मुझसे पहले ना हटो हटो जरा हटो, ये दिखाता था, ये देखो मुझसे पहले ये भाई साहब आके बाहर खड़े हो गए दोनों, मैं लेके नहीं जाऊंगा अंदर, चलो देखो स्लीपर नहीं पहने हुए, अभी चूटी काटेगी, चूटी चूटी काट, चूटी काट, चूटी काट, चलो अंदर जाओ दोनों। तो भाई हम चलते हैं पहले लेने के लिए पाइप और चीनी और ऑयल, ठीक है भाई। पाइप लेने गए थे, पाइप तो मिला नहीं, दुकानें बंद है। कामरान भाई अस्सलाम वालेकुम। कामरान भाई माशाल्लाह माल वाल आ गया दुकान में यार, भरी भरी सी लग रही है कामरान भाई, माशाल्लाह से है, जबरदस्त जबरदस्त भाई माशाल्लाह, हमारे कामरान भाई ने खर्चा करा है और माशाल्लाह चकाचक भर गई है दुकान। अच्छा कामरान भाई चीनी एक किलो चीनी दे दो और बाकी दे दो दो किलो तेल। इस बार भाई कामरान भाई का बिल बनेगा टापो टाप, क्योंकि भाई कामरान भाई के पास से सामान जाता, खुशी चेक करो कामरान भाई की, स्माइल देखो चेहरे पे। सेवर वगैरह भी रखे हुए हैं, इधर आ जाओ करीब आ जाओ करीब आ जाओ, सेवर प्लग होल्डर मकसद जो चीज कहीं नहीं मिलती ना रॉकेट है वो हमारे पास मिल जाएगी। अच्छा हाँ डिस्प्रीन मतलब हर इंडोशन की गोली, मतलब भाई इमरजेंसी के अंदर ना आप जब भी आओगे ना वो कल्लू चौके ना हमारा वहाँ से सीधे आओगे ना, तो यहाँ पे कामरान भाई की शॉप है, ये माशाल्लाह रात को 3 बजे तक खुली हुई होती है, ऐसी इमरजेंसी चीज़ें भी रख के घूम रहे होते हैं कि अगर आपको रातों रात अगर नहीं मिले ना कहीं पे तो ये कामरान इजी लोड भी रख लो, मैं सही बता रहा हूँ इंशाल्लाह भाई, इजी लोड भी मिल जाएगा, अरे वीआईपी भाई इजी लोड भी मिलेगा रात के 3 बजे, रात के लिए 3 बजे इजी लोड है, ठीक है। और बाकी पैंपर वेम्पर तो यहाँ पे ये मेरे लिए रखे हुए इसने, क्योंकि इसको पता है कि मैं आऊंगा और पैंपर लेके जाऊंगा। भाई जितनी देर में हमने ऑयल और चीनी ली ना तो दुकान खुल गई थी, पाइप भी मिल गया शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, और अब जो आखिरी बच गया अभी तेल गिर जाता, आखिरी जो काम बचा है ना अब वो बचा है लेंस लेकर आने, वाइफ कह रहा 6 नंबर पर, तो उतर जाते हैं। पाइप भी अच्छी क्वालिटी का मिल गया, 240 रुपये का दिया भाई, चलो तेल वेल उतारो चीनी उतारो नाश्ता करो। A few moments later. भाई यहाँ पे लाइट है नहीं, सुबह से उठे हुए लाइट है नहीं, तो यहाँ पे इसका ये चेंज कर लेते हैं पाइप, ये लेकर आया हूँ मैं जो कमोड के अंदर लगता है पाइप, ये चेंज करेंगे, लाइट नहीं है या तो मोबाइल पकड़ सकते हैं या तो ये काम कर सकते हैं, ठीक है भाई। पाइप तो लगा लिया पर यार अंधेरा बहुत ज़्यादा हो रहा है, अब नाश्ता कैसे होगा, सबसे पहले तो यहाँ जनरेटर चला लेता हूँ, और वो फिर बिल्ली का मसला यार बड़ा डर लग रहा है, कल बिल्ली ने करा था मेरे को एकदम से जनरेटर, वो बैठी भी ओ भाई गैस खोलो सबसे पहले पाकिस्तानी तरीके से, जनरेटर चलाओ इसमें थोड़ा सा पेट्रोल डालो, ये री बोतल लो, हाँ इतना तो ये स्टार्ट हो जाएगा, अब इसको करते हैं स्टार्ट। ओके जनरेटर चलाने का पाकिस्तानी तरीका, थोड़ा सा पेट्रोल डालो इतना सा बिल्कुल बारीक सा, उसके बाद पता है क्या करो, दो तीन किके मारो जैसे स्टार्ट हो जाए गैस पे कन्वर्ट, क्या तरीका पाकिस्तानी। भाई सब नाश्तों में एक ही नाश्ता है, तंदूर की रोटी तली हुई और चाय, तो ये खाते हैं, उसके बाद लेंस लेने जाना है भाई। One hour later. लाओ लेंस का पर्चा दे दो आप, ठीक है बच्चों को तैयार वगैरह कराओ ताकि लाइट वगैरह आ जाएगी दिल्ली से इंशाल्लाह फिर निकलेंगे। क्या टॉयलेट नहीं डालोगे? मैं लेके नहीं जाऊंगा, जल्दी से रेडी करो भाई, हम चल रहे हैं अब लेंस लेने के लिए। भाई लेंस वाले के पास इसलिए दोबारा जाना पड़ रहा है कि लेंस वाले ने बोला था कि कल रात में आप आ जाना, और रात में हम सुबह फारिग हुए हैं फजर में, तो अब जाना पड़ रहा है क्योंकि ख्वारी हो गई है यार, क्योंकि देखो यार अब जाकर क्या सीन बनता है वहाँ पर। तो मैंने कहा घर पहुँचा दो, वो भाई बोलने घर नहीं पहुँचा सकता, आप आ जाओ दुकान पे, तो दुकान पे जा रहा हूँ, घर पे लाइट नहीं है और आज बारात भी है, बड़ा मुश्किल मरहला चल रहा है भाई।
और भाई फाइनली हमारे लेंस रेडी हो गए, तो भाई से पूछ लेते हैं क्या तरीका तोड़ तरीका बताइएगा। ये लेंस का ड्रॉप आ जाए कम सही, कभी भी इरिटेशन होती है लेंस में तो एक ही कतरा दोनों आंखों में डलता है, ये वाला इरिटेशन खत्म। मतलब अगर लाल हो, अगर लाल हो जाए जी, रेडिश हो जाए तब, अदरवाइज नहीं। ठीक है, ये लेंस के कंटेनर आ गया, एक इसमें आएगा एक इसमें आएगा, ठीक गुड हो गया। ये इसका लिक्विड आ जाता है सही गुड, और ये लेंस लगाने की स्टिक आ जाती है, ठीक है। बाकी जिनको लेंस लगाना नहीं आते उनके लिए टिप्स का पर्चा है ये, वो एक दफा टैली कर ले उसके बाद लेंस लगाना सीख जाते हैं। अच्छा हाँ ठीक है, गुड हो गया, सही है भाई, ये दोनों लेंस आ गए। चलो भाई शुक्र है, हमारी लेंस की शॉपिंग कम्प्लीट हो गई। चलो भाई शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह ले लिए हैं लेंस। मस्जिद देख रहे हो, ये माशाल्लाह इतनी प्यारी मस्जिद है ना, ये मैं देखता हुआ आ रहा हूँ अपने बचपन से, पर अभी बहुत ज़बरदस्त बना दी है। तो भाई अब आपसे करेंगे मुलाकात, घर पर तैयारी करनी है शादी की, शादी में जाना है, ठीक है। तो भाई बेगम आपके लेंस आ गए, ये ले सही है, चेक कर लिए आपने? मैंने चेक कर लिए, और बाकी आप अपने तरीके से चेक कर लो भाई, मुझे नहीं पता, चेक कर लो, खोल लो खोल लो, सही है, कंप्लीट है, अप्रूव है, अप्रूव है भाई। अब लाइट नहीं है, मोबाइल की चार्जिंग भी खत्म हो गई है, ब्लॉक बनी वो देखो फड्डा हो रहा है भाई वहाँ पर, और लाइट भी नहीं है, चार्जिंग भी नहीं है, अल्लाह मालिक है भाई। A few hours later, हम लोग तैयार हो गए हैं और आज हमने जाना है बारात के अंदर, ठीक है। और अभी यहाँ से पहले जाएंगे कायदाबाद, कायदाबाद से फिर ढाई नंबर, क्योंकि हम मामू है भाई, वहाँ पे जाके रसम करनी है, ठीक है। और यहाँ पर हसन भाई तैयार हो गए, दिखाओ हसन कपड़े दिखाओ, माशाल्लाह कोटी शोटी पहने में भाई, ये स्लीपर इतने प्यारे लग रहे हैं। अली भाई साहब नाराज होके भाग गए हैं दूसरे कमरे में, तो भाई दिल्ली से चलते हैं, खाना वाना वैसे ही आ गए, बोलने आ गया जल्दी आओ, माशाल्लाह इतने प्यारे लग रहे हो अली आप तो, है ना, बोलो माशाल्लाह। बेगम आप पूरे पूरे चार घंटे में तैयार हो, आपको पता है? हो तो गई ना। हो तो गई क्या मतलब है, आपको क्या आधा दिन दिया करें पूरा तैयार होने के लिए? ओए ओए ओए। One hour later. और भाई मैं पहुंच गया अपनी बहन के घर पर, और हमारी अम्मा को दिखाते जाएं, आज अम्मा ने मेहंदी लगाई है माशाल्लाह से, दिखाओ अम्मा। ओए अम्मा इतनी प्यारी मेहंदी, वही जबरदस्त, मेरी अम्मा तो बड़ी प्यारी लग रही है इसमें। बेगम आज खाने में क्या होगा, कुछ आइडिया है? मुझे लग रहा है बिरयानी होगी आज खाने में, और आज तो मैं पेट भर के खाना खाऊंगा। यार ये नहीं दुआ करो, बोली घर से बोल रही है, मैं अल्लाह करे दुआ करी हुई कोरमा हो या कोई मीठे में कुछ हो, या बस बिरयानी ना हो। और भाई अल्हम्दुलिल्लाह अब हम जा रहे हैं बारात लेकर, सदी ध्यान से बिठाना ठीक है, ऐसा नहीं करो बेटा, नहीं करो ऐसा, नहीं नहीं नहीं। तो भाई गाड़ी रेडी हो गई है, वो खड़ी हुई गाड़ी, इतनी बड़ी फैमिली नहीं है तो इसी में आ जाएंगे, बैठ गए बस भाई, 5-10 मिनट के अंदर बारात निकल जाएगी इंशाल्लाह। फैमिली बैठ गई है गाड़ी के अंदर, दूल्हा गाड़ी में बैठ गया है, और हम सफर के लिए रवा दवा। मामू यहाँ क्यों खड़े हो आप? ढोल वाला आ रहा है, ढोल सभी ढोल वाले को लेने गए, अभी दबा 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 वहाँ पे ढोल डांस डांस भी होगा, रुको जरा सफर करो देखते हैं क्या होता है। और भाई आज मेरे भाई की भांजा नहीं है, आज भांजा खत्म कर दिया, आज मेरे भाई की फाइनली शादी है, और माशाल्लाह से यार अल्लाह ताला खुश रखे हमेशा यार। मौसम भाई भी बैठे बराबर में, कल तो बाबा खाना था घर पे, आज तो माशाल्लाह बारात में है। भाई यहाँ हम तस्वीरें खिंचवाने में लगे हुए थे, यहाँ पे खाना स्टार्ट हो गया है, कोई पुलाव है, कोरमा है, कोरमा बीफ का है, और ये रोटियाँ हैं, और रोटियों के बाद ये मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कि कबीर हमारी तस्वीरें खींचेगा, और कबीर खाना खाने में लगा हुआ है, मज़े की बात तो ये। और भाई अल्हम्दुलिल्लाह पुलाव खाया आपके भाई ने, पुलाव बहुत आला बना हुआ था, कोरमा भी था अलग के जर्दा भी था, पर आपके भाई ने जो खाया ना वो खाली पुलाव था माशाल्लाह से। नवेद भाई खाना खा लिया आपने? बहुत बहुत मुबारक हो आपको आज भाई, नवेद भाई की माशाल्लाह बेटे का निकाह हो गया है, बहुत खुशी की बात है, अल्लाह ताला खुश रखे भाई। अम्मा तो आज भी घर नहीं जाएंगी, अम्मा ने यहाँ से जाना है सीधा कहाँ पर, कायदाबाद। अम्मा कायदाबाद बाजी के घर जाएंगी, अभी रुखसती होने वाली है, वहाँ पर सारे मेहमान रुखसती की तैयारी कर रहे हैं, यहाँ पे हमारी माँ बैठी हुई है, नवासी बहू हो बड़ा हार्ड लव है भाई। अम्मा भाई हम तो चले जाएंगे, हमने खाना खाया हुआ, बस ये रुखसती हुई और हम सीधा घर। चलो भाई रुखसती हो गई है और सारे मेहमान जा चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और अब हम जा रहे हैं घर। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग घर पर आ गए हैं, बहुत मजा आया शादी में, पुलाव बहुत आउट क्लास बना हुआ था। अच्छा अम्मी पता क्यों नहीं आई? अम्मी का टोटल सारा सामान ना वहीं पे है सिस्टर के घर पर, तो इसलिए अम्मी नहीं आई। और अली ने तो सही का एंजॉय करा आज, अली आपने एंजॉय करा? बैलून भी ले
बलून भी लेकर आया हूँ, बलून बलून। तो भाई उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी, हम लोग बहुत थक गए हैं। तो हमारी वीडियो आप तक पहुँचने के लिए आपको पता है क्या करना पड़ेगा, लाइक करना पड़ेगा, सब्सक्राइब करना पड़ेगा, ताकि हमारी तमाम वीडियो आप तक पहुँच सके। अल्लाह हाफिज़।